हाय हेलो वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। और मैं हूँ पूजा और आज हम फिर से एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। और आज हम जिस क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कि क्या आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता है, क्या वो आपके साथ उसी डेडिकेशन से प्यार करते हैं जिस डेडिकेशन से आप उनसे प्यार करते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। और ये है तीन पाइल्स। फर्स्ट पाइल पे है येलो स्टोन, सेकेंड पे है ऑरेंज सॉरी रेड स्टोन और थर्ड पे है पर्पल स्टोन। तो आप 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपना क्वेश्चन आप अपने मन में दोहरा के उस पर्सन पे फोकस करके और बहुत ही शांत मन से आप सोचे, और आंखें खोलते ही आपको जो पाइल सबसे पहले दिखता है या जो स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इस येलो रेड और पर्पल में से, आप उस पाइल को चूज कर सकते हैं। तो आई विल गिव यू सम टाइम, आप 2 मिनट आंखें बंद करें या फिर आप इन पाइल्स को देख के सोचे कि किस पाइल के नीचे आपका आंसर हो सकता है। तो आई थिंक आपने अब तक अपना पाइल चूज कर लिया होगा और हम फर्स्ट पाइल से शुरुआत करेंगे। सो जिन्होंने ये ब्यूटीफुल येलो स्टोन चूज किया था उनके लिए ये फर्स्ट पाइल के लिए ये रीडिंग है कि क्या आपका पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं फर्स्ट कार्ड्स ले आउट कर लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड है इंटीग्रेशन, सेकेंड कार्ड है द आउटसाइडर, थर्ड कार्ड है द सेलिब्रेशन कार्ड, फोर्थ कार्ड है हीलिंग एंड द फिफ्थ कार्ड एंड द लास्ट कार्ड इज शेयरिंग। ओके, आई होप आपको सब कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। लेट मी एडजस्ट देम। ओके, तो क्या आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो सकता है वो आपके करंट पार्टनर है या जो कोई भी है, अगर उनके आपसे बात नहीं हो रही है करंटली, कोई ऐसा सिनेरियो है, या आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, एनीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप शेयर करते हो, आप एक दूसरे से बहुत डीप प्यार करते हो, आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छे कपल हो। और आपके बीच अगर फिलहाल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी चल रहा होगा, बावजूद इसके आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ओके, सो आई सी अ डीप लव, अ डीप कनेक्शन। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हो, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो। What more I can see is, बहुत सी केसेस में आप और आपके पार्टनर बहुत ही जल्द किसी चीज़ को लेके सेलिब्रेट करने वाले हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, या आप दोनों की एक डेट हो सकती है, रोमांटिक डेट जो कि उन्होंने आपके लिए प्लान की हो, या फिर आप दोनों ही अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाके उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, या कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी फैमिली से रिलेटेड, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप की या एनिवर्सरी हो सकती है। ऐसी कोई चीज़ मुझे आते हुए दिखाई दे रही है बहुत से केसेस में आप जिन्होंने ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया है। सो डेफिनेटली आई थिंक दिस कनेक्शन, जो मुझे वाइब्रेशंस मिल रही है, जो एनर्जीज मुझे फील हो रही है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे फील हो रही है। कई कई केसेस में आई थिंक आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर इन्फ्लुएंस है किसी के उनके लाइफ में। कोई पर्सन उनको इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है वो उस बारे में उनसे डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके जो पार्टनर है वो किसी से किसी चीज़ के बारे में मुझे शेयर करते हुए या चीज़ों को बताते हुए किसी थर्ड पर्सन को दिखाई दे रहे हैं। ओके, आई थिंक बहुत से केसेस में ये भी हो सकता है
कि यू बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर और यू बोथ हैव यू नो जस्ट ब्रोकन अप. बट दोनों ही केसेस में मुझे ये लग रहा है कि वो पर्सन इस चीज़ से उभरने की कोशिश कर रहा है, वो इस चीज़ को भुलाने की कोशिश कर रहा है, वो इस चीज़ से यू नो दे ट्राइंग टू हील वट एवर द सिचुएशन दे माइट हैव गॉन थ्रू विद यू. ऑल्सो ये जो आप दोनों के बीच रिलेशनशिप है, बहुत से केसेस में मुझे ये भी फील हो रहा है कि बहुत ही यू नो नर्चरिंग, केयरिंग, दूसरे एक दूसरे से सारी बातें शेयर करना, एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाना, इस तरह का भी आपका रिलेशनशिप हो सकता है. तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, ये किसी के साथ रेजोनेट हो सकती है या किसी के साथ नहीं भी हो सकती. तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. ओके, तो अगर आपको मुझे येस और नो में बताना हो कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच यू नो यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर. आप दोनों के लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हो, आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हो, एंड यू बोथ हैव दिस म्यूचुअल, यू बोथ शेयर दिस म्यूचुअल बॉन्ड बिटवीन यू नो बोथ ऑफ यू, देर इज अ यू स्ट्रांग बॉन्ड. अब दोनों ही एक दूसरे को अगर बाहरी चीज़ों से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आप दोनों एक दूसरे को हैंडल करते हो, आप दोनों एक दूसरे को समझते हो. ओके, लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1. आई नीड सम मोर क्लैरिटी. सो जो एक कार्ड मुझे यहाँ पे मिला है वो है कंपैरिजन. तो आई थिंक जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कई कई केसेस में उनके पार्टनर कुछ सिनारियों को, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस को, कुछ पास्ट पर्सन को, कुछ यू नो जो चीज़ें उनके लाइफ में एक पार्ट थी उनके लाइफ का, वो उस चीज़ से आपको हो सकता है वो कभी ये चीज़ बोले नहीं हो आपको, लेकिन वो कंपेयर करते हो, वो दो चीज़ों के बीच भी स्टक हो सकते हैं, वो कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, वो ये भी नहीं कोई कोई कैसे मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है हु इज़ यू नो लाइक वो उनके और आपके बीच भी कन्फ्यूज हो सकते हैं. तो ये भी सिनेरियो हो सकता है. बट डेफिनेटली मुझे पाइल 1 के लिए ये तो यही चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत पॉजिटिव मुझे ये रीडिंग लग रही है और बहुत ही डीप लव, एक सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यू बोथ शेयर अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, यू बोथ केयर फॉर ईच अदर. आप दोनों एक दूसरे को हर एक सिचुएशन में सपोर्ट करते हो, हर एक सिचुएशन से बाहर निकालने में यू बोथ यू नो हेल्प ईच अदर. सो डेफिनेटली बहुत ब्यूटिफुल ये रीडिंग लग रही है मुझे. ओवरऑल हम सैक्रेड इंडियन टैरो से भी ओवरऑल एक आउटकम के लिए कार्ड निकाल रहे हैं. डेफिनेटली दे लुक एट यू विद अ वेरी हाई रिगार्ड. वो आपको, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, वो आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, वो आपको यू नो देख वो आपको एक आइडियलाइज करते हैं. मैंने पहले ही बोला मुझे इस रीडिंग से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रही है. तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस यू बोथ शेयर अ ब्यूटिफुल कनेक्शन. दे लुक अप टू यू, दे लव everything about you, they you know they idolize you, they respect you, they adore you, they admire you. तो बहुत ही beautiful मुझे पाइल 1 के लिए reading लग रही है. Let me see what more I can get through this.
आई थिंक अगर आप किसी भी रिलेशनशिप, आपके दोनों के रिलेशनशिप में अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में और यू नो ये क्वेश्चन ही अगर आप फील करते हो, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कि आपसे वो सच में प्यार करते हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली एंजल्स आर सेइंग येस, द पर्सन लव्स यू एंड यू नो यू मस्ट नॉट गिव अप ऑन टू दिस रिलेशनशिप. दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी समथिंग यू कैन रिलाय अपॉन ऑन इन लॉन्ग टर्म. बहुत ही ब्यूटिफुल मुझे आप दोनों के बीच का ये रिलेशनशिप नज़र आ रहा है. आप दोनों को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए. यू बोथ मेक अ ब्यूटिफुल कपल एंड दे रियली लुक अप टू यू एंड दे रियली अडोर यू. उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा वो केयर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, वो चीज़ों को यू नो दे डोंट गिव अप ऑन यू, सो यू शुडंट. आप दोनों को ही एक दूसरे को इस रिलेशनशिप में एक इक्वालिटी देनी है. एक तीसरे पर्सन की बात वो ना सुने तो बेहतर है. अगर आपको ऐसा लगता है वो किसी तीसरे पर्सन के बात से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आपको उनको बिठा के प्यार से समझाना होगा कि लुक, हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं, सब उतार चढ़ाव हम दोनों को पता है, हम दोनों को पता है हमने किस किस सिचुएशन में सस्टेन किया है, हम किस तरह का डीप प्यार करते हैं एक दूसरे से. सो हम दोनों को तीसरे पर्सन को हमारे बीच इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए. एंड ये एडवाइस मैं आपको भी देना चाहती हूँ जो ये पर्सन अब रीडिंग देख रहे हैं. आपको कभी भी किसी को अपने रिलेशनशिप के बारे में या उनके प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताना चाहिए, बिकॉज वो एक सरफेस लेवल से देखते हैं और आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत डीप है. You both have shared many deep feelings, many deep and you know personal experiences रहे होंगे जो उनको नहीं पता. You just tell them, ऊपर ऊपर की चीजें आप बताते हो और but feelings जो है वो आप दोनों के हैं. ये relationship आप दोनों का है तो definitely आप दोनों को ही इसमें look out करना होगा. आप तीसरे person को involve करोगे तो फिर ये कंपैरिजन वाली चीज़ें भी आएंगी और फिर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. ओवरऑल मुझे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल आप दोनों का रिलेशनशिप दिख रहा है और डेफिनेटली देर आर चांसेस ऑफ सम सेलिब्रेशन कमिंग फॉरवर्ड. सो लुक फॉरवर्ड टू इट. आप दोनों के लाइफ में कोई अच्छा सा सेलिब्रेशन मोड आने वाला है, कोई फंक्शन, कोई बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो पाइलवन के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव रीडिंग थी. येस दे लव यू, दे ट्रूली लव यू. जस्ट अवॉइड द आउटसाइड इन्फ्लुएंस. अगर ये आपके पार्टनर है तो प्लीज़ उनको समझाइए बिठा के प्यार से कि उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को इस रिलेशनशिप में इन्जॉय कर पाओगे. तो पाइलवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिलेशनशिप. ऑल्सो इफ इट रेजोनेट्स विद यू, प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर. And if you're new to my channel, you're just stumbled upon this video, आप मेरे channel को subscribe कर सकते हो. मैं यहाँ पे general readings करती हूँ और मैं personal readings भी provide करती हूँ. तो आप please मेरे channel को subscribe करें और bell notification दबाना ना भूलें. Thank you. सो वेलकम पाइल नंबर टू. जिन्होंने ये ब्यूटिफुल रेड स्टोन चूज किया था, ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है. तो आप अगर जानना चाहते हो कि जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं कि नहीं, वो दिल से आपको चाहते हैं कि नहीं, तो इसी बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट अ येस और नो, तो डेफिनेटली येस. लुक एट दिस कार्ड, देयर इज अ लवर्स कार्ड एंड आई एम रियली सॉरी, मेरा ये कार्ड खराब हो गया. एंड ऑल्सो मैंने तीन डेक्स मंगाए हैं, ऑर्डर किए हैं एंड आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड क्योंकि मैं आपको और एक्सटेंडेड रीडिंग्स दे सकती हूँ और एक्सटेंडेड मैसेजेस आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ. सो आई एम वेटिंग फॉर देम कि कब वो आएंगे और मैं आपसे यू नो आई विल यूज दैट डेक्स टू. सो लेट्स जंप ऑन टू द रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेटली आप दोनों के बीच एक बहुत ही ब्यूटिफुल बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ये यू नो एक डीप लव, एक डीप कनेक्शन. आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, आप एक दूसरे को समझते हो. दैट अंडरस्टैंडिंग लेवल, दैट लेवल ऑफ यू नो इक्वालिटी, दैट लेवल ऑफ मैच्योरिटी यू बोथ हैव फॉर पाइल नंबर टू. ऑल्सो वॉट आई सी इज कि आपके जो पर्सन है आपको एक गाइड की तरह देखते हैं. आपसे यू नो दे आस्क एवरीथिंग टू यू
कि मैं ये कैसे करूँ, मैं ये चीजों को कैसे सॉर्ट आउट करूँ. सो यू आर लाइक अ गाइड टू देम और दिस एनर्जी मे बी योर्स. आप उनको गाइड समझते हो, वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं. तो डेफिनेटली ये मुझे बहुत स्ट्रांग कनेक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि यू बोथ हैव दैट सेंस एंड लेवल ऑफ मेच्योरिटी एंड सेंस ऑफ यू नो, आप दोनों ही एक दूसरे को एक अच्छे लेवल पे समझते हो. ऑल्सो मुझे बहुत सी केसेस में ये दिख रहा है कि जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग कर रहे हो वो एक बहुत ही खुश मिजाज, एक लाइफ को हैप्पीनेस से और कंटेंटमेंट से जीने वाले, एक टू द फुलेस्ट जीने वाले इंसान मुझे दिखाई देते हैं. वो अपनी लाइफ को यू नो एक बहुत ही सैटिस्फैक्शन के साथ जीते हैं. एंड दिस इज वॉट अट्रैक्ट्स यू टू देम. जो मुझे यहाँ पे लवर्स कार्ड भी दिखाई दे रहा है, मुझे यही चीज़ दिखाई देती है कि आप दोनों एक दूसरे को एक अलग ही लेवल पे अंडरस्टैंड करते हो. जो चीज़ सिर्फ एक सोलमेट की तरह होती है, जो प्यार एक सोलमेट्स शेयर करते हैं, जो प्यार एक परफेक्ट पार्टनरशिप होती है ना दो बंदों के बीच में, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. सो पाइल नंबर 2 के लिए भी बहुत अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग है. ऑल्सो दिस पर्सन माइट ब्रिंग वेरी मच एबंडेंस और बहुत अच्छा फ्यूचर आप इनके साथ देख सकते हो डेफिनेटली. और ये आपके लाइफ को यू नो एक नया विजन देंगे. ये आपकी लाइफ को एक जैसी ये अपनी लाइफ को जीते हैं ना कंटेंटमेंट के साथ और फुलफिलमेंट के साथ, डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक फुलफिलमेंट और एक कंटेंटमेंट वाली लाइफ दे सकते हैं. तो अगर आपको जानना है कि ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है कि नहीं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली गो फॉर इट. दे आर द पर्सन फॉर यू, दे आर द वन फॉर यू. यू मस्ट हैव टू ट्रस्ट देम एंड यू मस्ट ट्रस्ट दिस कनेक्शन टू यू नो. आप अगर अपने रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, आप अगर हमेशा एक डिलेमा में रहेंगे कि नहीं यार कब तक चलेगा, अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो यू गिव योर 100%. आपको इस रिलेशनशिप में 100% देना है तो ही आप वो मैनिफेस्ट करोगे. आप अगर हमेशा गलत बातें बोलोगे, आप अपने पार्टनर से गलत गलत अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करोगे, आप अपने पार्टनर को होप्स यू नो होपलेस बातें करोगे अपने पार्टनर से, तो चीज़ें भी वैसी ही होंगी. आपको अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्ड्स. आप क्या बात करते हो, आप किस तरह से बात करते हो, बहुत ही मायने रखती है किसी भी रिलेशनशिप को ब्रेक करने में या फिर उसको संभाल के रखने में. दैट इज अपॉन यू. आपको पॉजिटिविटी देनी है, आपको होप्स हाई रखने हैं. मैं हाई रखने का ये मतलब नहीं बोल रही हूँ कि आप फॉल्स होप्स रखो. कीप योर आइज ओपन, योर ईयर्स ओपन एंड जस्ट गिव देम 100%. सब चीज़ें अच्छी होंगी. ऑल्सो वो पाइल तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे सिनारियो दिख रहा है. आप दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आप दोनों एक दूसरे से शेयर करते हो. सैक्रेड इंडियन टैरो से हम एक कार आउटकम के लिए पुल करेंगे. एक ओवरऑल हम देखेंगे कि आप दोनों कैसा रिलेशनशिप शेयर करते हो. क्या ये सच में आपसे प्यार करते हैं ये पर्सन. यू बोथ मुझे यहाँ पे सेकेंड पाइल के लिए ये चीज़ नजर आ रही है कि अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो करेंगे, तो डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप हैज अ लॉट ऑफ स्कोप. चीजों को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना नहीं है. आपको उस पर्सन को समझ के और चीजों को समझ के आपको आगे बढ़ना है. आपको ज्यादा सीरियस लोगे तो जो आपके हाथ में है वो भी आप गवा दोगे. आप हमेशा ही अगर आप उनके जैसे अगर व्यू रखोगे, बहुत ही प्लेफुल तरीके से आप इस चीज़ों को हैंडल करोगे, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, एक अबेंडेंस की ओर जाएगा. मुझे ये चीज़ यहाँ पे फील हो रही है. ठीक है, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं.
टावर एंड द हाई प्रीस्टेस. तो ये फर्स्ट डेक के लिए भी आया था, फर्स्ट फाइल के लिए भी आया था. दे रियली लुक अप टू यू. उनको आप बहुत ही परफेक्ट लगते हो, वो आपको आइडियलाइज करते हैं. उनको लगता है कि दिस इज द वन फॉर मी, दिस पर्सन इज मेड फॉर मी, शी इज और ही इज परफेक्ट फॉर मी. इस तरह से वो आपको देखते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट से, बहुत ही प्यार से, और बहुत ही यू नो एक हम जैसे किसी को अपने लाइफ में आइडियलाइज करते हैं, वो उस तरह से आपको देखते हैं. डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बहुत, मैंने बोला, स्कोप मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को सपोर्ट करता है, उसको एडमायर करता है, उसको रिस्पेक्ट करता है, तो चीज़ें अपने आप ही बैलेंस आउट हो जाती है. ओके, बट यू शुड नॉट बी द वन डूइंग इट और ही शुड नॉट बी द ओनली वन डूइंग इट. आप दोनों को ही बराबरी से, जो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि आप दोनों बराबरी से और एक लेवल पे एक दूसरे से प्यार करते हो. सो दे रियली लुक अप टू यू एंड आई थिंक दैट वो आपको एक पावर की तरह देखते हैं. उनके लाइफ में एक शक्ति, एक स्ट्रेंथ लाने वाली चीज़ हो आप उनके लाइफ में हो, तो वो कुछ भी चीज़ अक्वायर कर सकते हैं. इस तरह की फीलिंग वो आपके लिए रखते हैं. तो डेफिनेटली दे लव यू, देर इज नो डाउट इन दैट. एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द टावर कार्ड. तो आपको इस कार्ड को देख के डरना नहीं है, मुझे बस आपको यही बताना है कि आपको किसी भी सिनारियो में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है. बिकॉज कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसा मोड भी आता है, और बहुत सी रिलेशनशिप्स में ये केसेस आते हैं कि चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं होती, हमें लगता है अब सब खत्म हो गया है. ये बहुत से केसेस में मुझे दिख रहा है कि अगर आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है आपको कि आपका रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा है, नो, आपको मेरी ये बातें भी अजीब लग रही होगी सुनने में कि यार मेरे रिलेशनशिप में तो इतने प्रॉब्लम्स है, फिर ये सब कैसे, इतना पॉजिटिव कैसे. तो लुक, जो सोलमेट्स होते हैं, या सोलमेट्स की छोड़ो, लेकिन कोई पार्टनर होते हैं आपके लाइफ में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा ही सब चीज़ें अच्छी हो. कुछ चीज़ों को ख़त्म होना पड़ता है, कुछ नई अच्छी चीज़ों का अपने लाइफ में लाने के लिए हमें कुछ चीज़ें ख़त्म करनी पड़ती है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप इटसेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट द बैड थिंग्स, द थिंग्स विच आर नॉट फ्रूटफुल टू योर रिलेशनशिप, जो आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करा है. जैसे डाउट हो गया, जेलसी हो गई, ईगो हो गया, प्राइड हो गया. ओके, तो आपको इन चीज़ों को बाजू में रख के आपको एक नई शुरुआत करनी है. अगर आपका रिलेशनशिप एक ख़राब दौर से गुजर रहा है, तो आपको उसको रिन्यू करना होगा. आपको गलत सलत चीज़ों से दूर रहना होगा अपने रिलेशनशिप को, आपको अगर यू नो सर्वाइव कराना है तो. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3. ब्यूटिफुल रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है आपकी, और आपके रिलेशनशिप में बहुत ही स्कोप है और बहुत ही चांसेस पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं. सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और ये फर्स्ट वीडियो है जो आप देख रहे हो, तो मैं इसी तरह की रीडिंग्स करती हूँ, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो. थैंक यू. सो फॉर पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ब्यूटिफुल पर्पल स्टोन चूज किया था, उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है. तो बहुत सी केसेस में पाइल नंबर 3 के लिए मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, शायद आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो. आप दोनों ही, अगर आप कांटेक्ट में हो भी, तो उस लेवल के आप में बातें नहीं हो रही है, या उस लेवल का कम्युनिकेशन आप दोनों में नहीं है जो नेचुरली आप दोनों के बीच में होता था कुछ समय पहले. ओके, बहुत से केसेस में मुझे ये फील हो रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ लग रही है. और अगर आप मुझसे ये सवाल पूछोगे कि क्या वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं, तो यस, डेफिनेटली द पर्सन लव्स यू. और बस मुझे यहाँ पे नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन दिख रही है. हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो सकता है आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई है, जिसके कारण यू बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. ऑल्सो आई फील अ लॉट ऑफ थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, या फिर बट ये थिंकिंग जो है
जो उस पर्सन की है वो राइट डायरेक्शन में है, नॉट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, नॉट इन अ रॉन्ग सेंस. जो भी सोच रहे हैं वो अच्छा सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं वो दोनों के बारे में सोच रहे हैं. ओके. ऑल्सो मुझे बहुत से केसेस में ये फील हो रहा है कि आप दोनों के सिचुएशन को बेटर करने में एक हेवनली, एक डिवाइन एनर्जी वर्क कर रही है और आपको उसको एक्सेप्ट करना है. आप दोनों को ही उसके लिए तैयार रहना है. और इसके लिए सबसे बहुत बड़ी चीज़ एक रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन. अगर आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो तो आपको ये जो डिवाइन लव, ये डिवाइन गाइडेंस, ये डिवाइन जो हेवन से, जो गॉड से, एंजल से, यूनिवर्स से जो चीज़ मिलने वाली है वो आप एक्सेप्ट कैसे करोगे? आप इस इंसान से अगर प्यार करते हो, आप सोच भी रहे हो इनके लिए पॉजिटिव, यही एनर्जी उनकी भी हो सकती है, पर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे होगा? आप कैसे एक्सेप्ट कर पाओगे उस डिवाइन लव को और वो सारी चीज़ें जो गॉड आपके लिए, यू नो, दे चाहते, वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो. द यू नो गॉड वॉन्ट्स यू टू बी टुगेदर. दिस यूनिवर्स वॉन्ट यू बोथ टू बी टुगेदर. दिस इज अ हेवनली, ये एक जोड़ी आपकी जो है ना, मुझे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है एक हेवनली है, एक रब ने बना दी जोड़ी वाला टाइप मुझे यहाँ पे फील हो रहा है. ऑल्सो कई कई रिलेशनशिप में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों को बहुत ही ओवरली सीरियसली ले रहे हो. आपको अपने अंदर का चाइल्ड बाहर निकालना है. आप यू हैव टू ब्रिंग आउट दैट इनर चाइल्ड इन यू. आप अगर बहुत ही सीरियसली चीज़ों को लेते रहोगे तो द पर्सन विद यू वो भी उब जाएंगे उस चीज़ से. यू नो, हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ होता है और उस बच्चे को आपको बाहर निकालना है. यू हैव टू ब्रिंग दैट चाइल्ड इनसाइड यू. द चाइल्ड विद इन यू हैज टू कम आउट टू, यू नो, एक लाइट एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है अपने रिलेशनशिप में. हर चीज़ को सीरियसली, मैं ऐसा नहीं कहती कि हर चीज़ को आपको लाइटली लेना है, लेकिन हर चीज़ को सीरियसली भी नहीं लेना है. यू नो, यू हैव टू कीप दैट बैलेंस. यू हैव टू कीप दैट बैलेंस विद इन दिस. देर इज़ अ फाइन लाइन कि चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेना और चीज़ों को बहुत ही, यू नो, लाइटली लेना. देर इज़ अ थिन लाइन और आपको वो थिन लाइन संभालनी है. Let me pull out some more cards for more clarity. मुझे कहीं कहीं केसेस में ये भी दिख रहा है कि आप वो पर्सन को या वो पर्सन आपको बहुत सी चीज़ें देना चाहते हैं. वो अपना वक्त देना चाहते हैं, वो अपना प्यार देना चाहते हैं, वो सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप लेने के लिए तैयार नहीं हो. आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी है. यू हैव टू बी, यू नो, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है. अगर वो देना चाहते हैं और आप लोगे नहीं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. ओके. कार्ड्स आए हैं यहाँ पे. फर्स्ट है द आउटसाइडर, सेकंड है फ्लावरिंग और थर्ड है स्किज़ोफ्रेनिया. तो कई केसेस में मुझे ये भी लग रहा है कि वो दो चीज़ों के बीच में अटके हुए हैं. वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. अगर आप उनसे उम्मीद रख रहे हो कि वो कोई डिसीजन ले, कोई भी सिनेरियो हो सकता है आपके लाइफ का. अगर आप रुक रहे थे, आप वेट कर रहे थे कि ये चीज़ हो जाए और वो हो नहीं रही है, तो आई थिंक आपको थोड़ा एक दो ही चीज़ें आप इसमें कर सकते हो. आपको थोड़ा एक तो वेट करना होगा या फिर आप उनसे बात कर सकते हो. कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बोला, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, आपको उसको सॉल्व करना है. दूसरी जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर ये रिलेशनशिप सस्टेन हुआ, सब चीज़ें ठीक हो गई, तो इस रिलेशनशिप का आगे जाने का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है. यू कैन लुक एट दिस कार्ड. Can you look at
how happy and how satisfied and how fertile and content and everything. बहुत ही beautiful मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे कि आपको अगर आप वो level का communication कर पाओगे कर पाओ उनसे उन person से और आप चीज़ों को you know sort out करने की कोशिश करो तो इस relationship का blossom होने के chances बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे. Also, yes, definitely आप दोनों का bond बहुत strong दिख रहा है मुझे और वो person आपसे बहुत प्यार करते हैं. अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे इसका मतलब ये नहीं है that they don't love you, they love you and definitely ये relationship मुझे बहुत ही positive और बहुत ही empowering मुझे लग रहा है यहाँ पे, okay? But also this card is ये card मुझे थोड़ा बॉदर कर रहा है क्योंकि देर माइट बी अ थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ और ये पर्सन अनचाही ब्रेन फीडिंग कर रहा है उस पर्सन को जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप पे लॉन्ग रन में कुछ खराब इफेक्ट डाल सकती है. सो दे नीड टू यू नो स्टे स्ट्रांग एंड इसमें इंडल्ज नहीं करना इनको, इनको इससे दूर होना है. मैं हमेशा लव रिलेशनशिप में इस कार्ड से यू नो इससे बचना है किसी भी थर्ड पर्सन से हमारे लव रिलेशनशिप के बारे में शेयर करना या फिर उनसे इन्फ्लुएंस होना नॉट गुड थिंग डेफिनेटली. लेकिन आपके रिलेशनशिप के ब्लॉसम होने के चांसेस बहुत ही लग रहे हैं मुझे, बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है. लेकिन आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी है, पॉजिटिव बात करनी है, क्वालिटी बात करनी है. कोई भी फालतू की चीज़ों पे आप डिस्कस करोगे और ब्लेम गेम्स खेलोगे तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग रन में नहीं टिक पाएगा. ओके सो दिस इज इट. ओके सॉरी, हम लोग सैक्रेड इंडियन टैरो से भी कार्ड्स पुल आउट करेंगे. जो भी कार्ड यहाँ पे मुझे मिलेगा मैं आपको क्लियरली बताऊंगी जो भी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है. तो ये कार्ड आउटकम के लिए होगा कि ओवरऑल आपका रिलेशनशिप कैसा होगा. और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्कोप है. लेट्स सी. तो आपको डेफिनेटली कम्युनिकेशन पे वर्क करना है और अगर उस इंसान की लाइफ में दो चीजों के बीच वो स्टक फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू. वो चीज या कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस उनको आपके आपसे दूर नहीं रख पाएगा. दे विल दे नो योर वर्थ एंड दे नो व्हाट यू आर टू देम. ओके सो ये जो कार्ड हमें मिला है वो है द स्ट्रेंथ कार्ड और इसे मैं बहुत ब्यूटिफुल कार्ड मानती हूँ. मुझे लगता है आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप में फर्मली खड़े रहने की ज़रूरत है. आपको इस रिलेशनशिप को अगर आगे तक लेके जाना है यू बोथ हैव टू बी अ स्ट्रेंथ टू ईच अदर. ऑल्सो आप दोनों को डटे रहना है, आप दोनों को गिव अप नहीं करना है, आप दोनों को कम्युनिकेट करना है. दो चीज़ों के बीच अगर वो स्टक है तो वो आपके पास ही आएंगे क्योंकि दे नो वॉट यू आर. ओके दे नो वॉट यू आर एंड वॉट यू बोथ शेयर द कनेक्शन यू शेयर. ओके तो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, किसी फालतू चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं. दे आर गोइंग टू कम टू यू इफ दे आर नॉट टॉकिंग टू यू. ओके तो कम्युनिकेशन भी होगा, हर चीज पॉजिटिव है इस रीडिंग के लिए भी. एंड आई एम वेरी हैप्पी. बहुत कम बार ऐसे होता है कि तीनों भी पाइल्स के लिए इतना पॉजिटिव रीडिंग मुझे दिखती है. एंड आई एम रियली हैप्पी. अगर ये सब चीजें आपसे रेजोनेट कर रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो. एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. लव यू ऑल.